पावन महीना शुरू हो चुका है। देश भर में शिव भक्तों की धूम है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना और शिवलिंग की स्थापना का बड़ा महत्व है। खास तौर पर सावन के महीने में शिव भक्त घर में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की स्थापना और पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं? इसकी जानकारी हमें काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने दी है। आइए उनसे जानते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापना का सही नियम क्या है। शिवलिंग स्थापित करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें, जिससे शिव भक्ति का पूरा लाभ मिल सके। घर में जब भी शिवलिंग स्थापित करें तो भगवान शिव का एक नाम है ईशानाय नमः, तो हमेशा ईशान कोण में शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग जो है ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम 4-5 इंच से ज्यादा या एक मुट्ठी जो होता है, एक अंगूठे के बराबर जो होता है, इतनी बड़ी शिवलिंग होनी चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं, बहुत हो तो 12 इंच, उससे ज्यादा बड़ा जो है रखने का अधिकार नहीं होता है, 4-5 और 1 इंच से छोटा भी नहीं। सोमवार के दिन सावन में शिववास को देख करके और जो योग बनते हों अच्छे योग में उनकी स्थापना की जाती है। वो ज्योतिषियों के द्वारा मुहूर्त देखने के बाद ही उसकी स्थापना की जाती है। दक्षिणायन हो तो दक्षिणायन में, उत्तरायण में विशेष करके विष्णु रूपी देवताओं की स्थापना होती है और दक्षिणायन में भैरव, शिव और देवियों की स्थापना का विशेष नियम है, इसलिए दक्षिणायन में ही शिवलिंग की स्थापना करने का। इनकी पूजा जो है विशेष करके जो है उनको जो है बिलपत्र अर्पित करना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए, उनको अच्छा तरह अर्पित करना चाहिए, उनका नित्य जो है जल से अभिषेक करना चाहिए, दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए और हमेशा वहाँ बैठ करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, या हो सके तो जो है रुद्री के पाठों का, वहाँ रुद्री पाठ करना चाहिए वहाँ पर शिव जी का, इस तरह से वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की जाएगी। शिवलिंग को पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को हमेशा उल्टा रख कर चढ़ाएं। शिवलिंग पर फूल और चंदन का लेप लगाएं। धूप और दीप जलाकर शिवलिंग की आरती करें। शिवलिंग को नैवेद्य अर्पित करें। बता दें सावन का महीना 19 अगस्त तक चलेगा। सावन में 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सावन के महीने की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होंगे। ऐसा दुर्लभ संयोग 72 साल पहले 27 जुलाई 1953 को बना था। साथ ही इस बार सावन में 6 शुभ योग भी बन रहे हैं। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जयसवाल की रिपोर्ट।